सुबह के करीब 8:15 हो रहे थे, जब सभी लोग अपनी मॉर्निंग का आनंद लेकर अपने अपने काम में जा रहे थे। उन सभी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि कुछ समय बाद यहाँ क्या होने वाला है। तभी एक परमाणु बम को गिराया जाता है और ना जाने कितने बेसहाय और निर्दोष लोगों की उस परमाणु बम के कारण मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम की। दोस्तों, अमेरिका ने जापान में परमाणु बम क्यों गिराया था और एक जगह पर नहीं उसी देश में दो अलग अलग शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जापान और अमेरिका के बीच एक विनाशकारी परमाणु बम से लड़ाई करनी पड़ी? तो चलिए इस वीडियो में इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। I saw an aircraft like a tiny silver drop. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter. ये हमारी घटना की शुरुआत सितंबर 1939 को हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा। उस वक्त हर देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करता, क्योंकि अगर वो कमजोर हुआ तो उसे गुलाम कर लिया जाएगा। ये विश्व युद्ध इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला था। उस समय जापान एक ताकतवर देश था और उसको हराना लगभग नामुमकिन था। वो हर देश को टक्कर दे रहा था। जब इस द्वितीय विश्व युद्ध को पूरे 6 साल बीत गए, तो अमेरिका के पास उस समय परमाणु बम था। अमेरिका के पास दो परमाणु बम थे, एक लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। ये दो ऐसे ताकतवर परमाणु बम थे जो कई हजार किलोमीटर तक सिर्फ राख ही राख करने की क्षमता रखते थे। वास्तव में इन परमाणु बम में कितनी विनाशकारी ताकत थी, इसका अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी देश ने परमाणु बम नहीं गिराया था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध लंबे समय तक चला, तो अमेरिका ने जापान को निशाना बनाया। इसके पहले अमेरिका ने जापान को दी चुनौती परमाणु बम को लेकर, लेकिन जापान ने इसे जरूर नहीं समझा और युद्ध करता रहा। फिर अमेरिका ने जापान के क्योटो को कब्र किया, जहां ज्यादा पॉपुलेशन और प्रमुख यूनिवर्सिटी थी। कई बड़े उद्योग यहां से संचालित होते थे। इसके अलावा इस शहर में 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद थी। क्योटो एक प्रकार से जापान की अच्छी जगह थी, जिसके कारण अमेरिका ने उसे ही परमाणु बम से टारगेट बनाया। अब जब अमेरिका ने परमाणु बम को गिरने का सोच लिया था, और वही दूसरी तरफ जापान इससे बिल्कुल अनजान था। 6 अगस्त 1945 का वो दिन था जब जापानी राडार ने अपनी तरफ आने वाले परमाणु बम को कनेक्ट किया, और जैसे ही सिग्नल मिला कि परमाणु बम गिराने वाला है, तभी सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो परमाणु बम हिरोशिमा की तरफ दाखिल हो चुका था। जैसे ही लिटिल बॉय वाले परमाणु बम ने हिरोशिमा के जमीन में गिरा, तो मानो कई हजार किलोमीटर तक कुछ मिनटों ही सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उस समय जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखता था, तो उसे नर्क जैसा महसूस होता था, क्योंकि ना जाने कितने बेकसूर लोग इस मलबे के नीचे दबे होंगे। उस बम के कारण 74,000 लोग मारे गए थे, और ना जाने कितने लोग इसकी रेडिएशन के कारण मर गए थे। समझ लो, ये पल बहुत ही बुरा था। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। हिरोशिमा में बम गिराने के ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर अपने दूसरे परमाणु बम फैट मैन को गिराया। ये बम करीब 4500 किलो वजनी था और 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। वहां हिरोशिमा में इतनी बड़ी तबाही और उसके 3 दिन बाद नागासाकी में। इस दिन को इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के नाम से दर्ज है। इस पल को जापान कभी नहीं भूल सकता,
और जापान के साथ साथ विश्व के और भी देश परमाणु बम की ताकत से अच्छे से वाकिफ हो गए। 1939 से लेकर 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति परमाणु बम से हुई थी, जो कि काफी दर्दनीय थी। अब कोई भी देश परमाणु बम को छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।